हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो कि डीएसएसबी के टीजीटी लेवल के एग्जाम है, टीचर लेवल के, जो उसके अंदर सिलेबस आएगा उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो देखिए, आपको दो सेक्शन में डिवाइड है, ये सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 मार्क्स का आएगा और सेक्शन बी में भी 100 मार्क्स का आएगा, तो आपका ये टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों, जो इसमें टाइम होगा वो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का रहेगा हमारा, और जो सेक्शन ए में है वो एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम में होंगे, ठीक है। तो इसकी डिटेल में हम आप आगे अभी आपको बताएंगे। और सेक्शन बी में जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न प्लस टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है या बीएड के जो क्वेश्चन है, पैडागोजी है, उस टाइप के वो रहेंगे 100 मार्क्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से डिवाइड इन्होंने किए हुए हैं। तो जो 100 मार्क्स का फर्स्ट आपका जो सेक्शन रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे, नंबर ऑफ मार्क्स भी 20 रहेंगे इसके। तो और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 की आएगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स की। तो ये टोटल कुल मिला के 100 मार्क्स का हो जाता है। और 100 मार्क्स का जो आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी, तो आपके टोटल 200 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा भी ना करना पड़े और अच्छे से आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाए। तो इस वीडियो को और देखते रहिए, और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिए और इसे शेयर भी करिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी फुल डिटेल में, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस है, इसमें क्या होगा कि मेनली तो इसमें रहेगा करंट इवेंट का, और उसके उसके साथ साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, इस टाइप के जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 20 मार्क्स का जो आएगा, इसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें एनालॉगी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, स्पेस, विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए जिसमें फुल डिटेल में आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है www.facebook.com/missiondssb, जो मिशन डीएसएसबी का फेसबुक का पेज है, वहाँ जाके आप इसे इसे सेव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिंक पे जाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो 20 मार्क्स की आएगी। इसमें क्या होगा, मिसिंग सीरीज, नंबर सीरीज, सिमिलैरिटी बिटवीन नंबर, सिमिलैरिटी बिटवीन सीरीज एंड ग्रुप, ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप, नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ये इस टाइप के, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। इसमें क्या होगा, गद्यांश, अलंकार और समास, रस, छंद और संधि, रिक्त स्थान की पूर्ति, विलोम और पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरे और एकार्थी शब्द, हिंदी व्याकरण इसमें आएगी, जिसमें वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि, इस टाइप की जो हिंदी इसमें पूछी जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज में, जो 20 मार्क्स का होगा ये भी। रेडी कम्युनिकेशन, idioms and phrases, synonyms and antonyms, one word substitution, filling in the blanks, spelling sentences, correction, improvements or error spotting, इसमें यही टॉपिक आपको करने हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा जो सेक्शन बी है, इसमें होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन प्लस में टीचिंग मेथोडोलॉजी जो ओब्लिक बीएड, तो बीएड की जो आपकी पैडागोजी है उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्लस इसके आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजी के कम आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के, और सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के होंगे, तो ये टोटल हमारे पास 200 मार्क्स का हो जाएगा और आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।